दुर्गाक्षरा में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन पांचवें दिन भी जारी। आंदोलनकारियों ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने रेल चक्का भी जाम कर दिया, जिससे रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। खड़गपुर से टाटानगर तक जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। NH 49 जाम की स्थिति से गुजर रहा है, भयावह होती जा रही है परिस्थिति। NH पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है। झारखंड की सीमा पार करके बारागोड़ा पहुंच गई है ये जाम की स्थिति। आंदोलनकारियों का कहना था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और करैया हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। करैया, क्या स्थिति है फिलहाल की? क्या आंदोलन उसी तेजी के साथ और उसी जज्बे और संघर्ष के साथ अभी तक जारी है? जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि कुर्मी आंदोलन जो है वो अभी पांचवा दिन आज चल रहा है। इसको लेकर भारी आक्रोश है कुर्मी समाज में, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं हो पाया है, जिसके कारण आज भी आंदोलन जारी है। लगातार पांचवा दिन आंदोलन जारी है, जिसके चलते टाटानगर खड़गपुर रेल सेवा पूरी तरह से बाधित हो चुका है। साथ ही साथ NH 46 जो बारागुड़ा से जमशेदपुर से लेकर कोलकाता तक जाती है, उस सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। साथ ही वहां पे NH 46 पर सड़क के लंबी लंबी गाड़ियों की कतार है, लगभग 50 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार है। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस जाम से यहाँ खासा ऐसा जमशेदपुर घाटशिला में देखने को मिल रहा है। और हालांकि जो जमशेदपुर से कोलकाता में जो सड़क जाती है NH 46, उसमें रोज जमशेद झारखंड के लोग आना जाना करते हैं, साथ ही उड़ीसा के भी लोग NH 46 पर आना जाना करते हैं, वहां भी इसी तरह का स्थिति बनी हुई है। हालांकि और करैया से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है, हम फिर से कोशिश करें। करैया, आवाज पहुंच रही है? कन्हैया की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, संपर्क हमारा टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी अभी तक की और बताया कि कैसे कुर्मी आंदोलन इस वक्त अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा। लगातार पांचवें दिन लोग डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि कुर्मी समाज को पहले की तरह जनजातीय समाज में शामिल किया जाए, ST कैटेगरी में शामिल किया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।